नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में एमपी फॉरेस्ट एमपी जेल पैरी 30 मई की पहली शिफ्ट का पेपर एनएस कराने वाले हैं। क्या एमपी फॉरेस्ट एमपी जेल पैरी 30 मई की पहली शिफ्ट का पेपर एनएस कराने वाले हैं। क्लास शुरू होने से पहले अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करना। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो आपकी शिफ्ट में आपसे पूछा गया, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। आपको बताना है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सिंगरौली। क्या मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, तो सिंगरौली है। देखिए, सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। क्या सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। अगर आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, तो आपको वहां पर सही जवाब लगाना है सिंगरौली। क्या लगाना है, सिंगरौली लगाना है। देखिए, आने वाली शिफ्टों में जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है। देखिए, आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा, तो पूर्वी जिला आपका सिंगरौली होता है, और पश्चिमी जिला कौन सा, तो पश्चिमी जिला आपका अलीराजपुर होता है, और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला कौन सा, तो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला होता है आपका बैतूल होता है। कौन सा, बैतूल है। और मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा, मुरैना। देखिए, पूर्वी जिला आपका मध्य प्रदेश कौन सा, सिंगरौली है, पश्चिमी जिला कौन सा, अलीराजपुर है, और दक्षिण जिला कौन सा, बैतूल है, और उत्तरी जिला कौन सा, मुरैना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से शामिल किया गया है। आपको बताना है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका देश के संविधान से भारतीय संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया है। यह प्रश्न आपसे 26 मई को भी पूछा गया था। क्या यह प्रश्न आपसे 26 मई को भी पूछा गया है, यानी कि जो आपके शिफ्ट वाइज प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं। तो जिन लोगों का आने वाली शिफ्टों में पेपर है उनसे यही गुजारिश करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि सारी शिफ्टों को आप एनालाइज करके जाइए, जिससे आपके शिफ्ट में प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप लोग वहां पर सही जवाब दे सको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रंगीर हरी सिद्धि मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बताना है, रंगीर हरी सिद्धि मंदिर कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा सागर में। कहाँ पर स्थित है, सागर में स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कबक और शैवाल मिलकर क्या बनाते हैं। आपको बताना है, कबक और शैवाल मिलकर क्या बनाते हैं। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं लाइकेन। क्या बनाते हैं, कबक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनाते हैं। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा लाइकेन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है, यानी प्रतिशत कितना होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 78.08% होता है। कितना होता है, आपका वहां पर ऑप्शन में दे रखा होगा आपको 78%। आपका सही जवाब हो जाएगा कितना, 78% हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है, ये होता है 78% होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर नाइट्रोजन गैस नहीं मुक्त करेगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर नाइट्रोजन गैस नहीं मुक्त करेगी। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा तांबा। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा तांबा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, ग्रहों का नियम किसने दिया था। आपको बताना है, ग्रहों का नियम किसने दिया था। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा केपलर ने दिया था। ग्रहों का नियम केपलर ने दिया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 10 नवंबर 2022 को किस राज्य ने बाजरा दिवस के रूप में मनाया था। आपको बताना है, 10 नवंबर 2022 को किस राज्य ने बाजरा दिवस के नाम रूप में मनाया था। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने। क्या, उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर 2022 को क्या बाजरा दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। आपको बताना है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 334 के तहत की गई थी। देखिए, स्थापना कब हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। क्या, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सुभाष चंद्र बोस के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। आपको बताना है, सुभाष चंद्र बोस के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सुभाष चंद्र के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। आपको बताना है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी। क्या है,
कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, समधि योजना किसने लॉन्च की थी? आपको बताना है समधि योजना किसने लॉन्च की थी। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ने समधि योजना लॉन्च की थी। देखिए सुकन्या समधि योजना 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। क्या है? सुकन्या समधि योजना 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा टर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं? टर्मेटोलॉजी त्वचा के अध्ययन को कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर अभ्यारण कहाँ प्रस्तावित है? आपको बताना है मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर अभ्यारण कहाँ प्रस्तावित है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा सागर में। कहाँ पर प्रस्तावित है? सागर जिले में प्रस्तावित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक व्यक्ति एक दिन में कितना कचरा फैलाता है? आपको बताना है कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना कचरा फैलाता है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा 2 kg। क्या है? वैज्ञानिक शोध के अनुसार कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना कचरा फैलाता है? 2 kg क्या है? कचरा फैलाता है। तो दोस्तों ये थे आपके 30 मई के फर्स्ट चैप्टर के, क्या पहले चैप्टर के ये थे आपके क्वेश्चन। सारे क्वेश्चनों को इस क्लास में आपको कवर करके बताया, जितने भी हमको मिले हुए, जितने भी हमारे पास आए हुए प्रश्न है, सारे क्वेश्चनों को इस क्लास में आपको बताया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करना। अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करना। हम लोग मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।